ये इस तरह से बहुत ही टेस्टी ककौड़ी की सब्जी बनके तैयार है। जो ककौड़ी नहीं खाते हैं उनको भी टेस्टी लगेगा। इस तरह से बनाइए, खाइए। श्री जम ब्लॉग से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ककोड़ी की सब्जी। ये धो के साफ किया हुआ है, इसको काटेंगे। इस तरह से ये है एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, धनिया की पत्ती, इन सबको पीस लीजिए जार में। इसका बीज इस तरह से बहुत ज्यादा कड़ा हो तो उसको हटा लीजिए। अब इसमें डालिए तेल। अब इसमें डालिए ये ककोड़ी। इसमें डालिए थोड़ा सा नमक। अब ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल लीजिए। इसी में डालिए थोड़ा सा पचफोरन। अब ये प्याज वाला मसाला। थोड़ा सा पानी डालिए और इसी में डालिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, ये है थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर, और ये भी थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। फिर डालिए नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इस मसाला को अच्छे से फ्राई कीजिए। अब इसमें डालिए दो चम्मच दही। अब इस मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। अब ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें पानी डालिए। अब इसको ढक के उबाल आने दीजिए, फिर डालेंगे सब्जी। अब इसमें डालिए ये फ्राई किया हुआ ककोड़ी। ढक के पकाइए।
अब ये ककोड़ी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए।